नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। भारत सरकार आपके पास एक ऑफर लेकर आई है कि आपको भारतीय सेना में ज्वाइन होने का, यानी कि मोस्ट ऑफ द सिविलियंस यहाँ पे रिक्रूटमेंट होंगे और उनकी एज, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी एक प्रपोजल रखा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को भर्ती किया जाए, जिससे कि उनको एक आर्मी में अफसर और जवान बनने का मौका मिले। एक वॉलंटरी सर्विस आप इसको बोल सकते हैं, इसमें आपको भी कुछ फायदा होगा। ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या? सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जिसमें आपको विदेश और देश में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें आपको कुछ अवधि के लिए, यानी कि इसका जो अवधि रखी गई है 3 साल रखी गई है, जैसे कि वर्ल्ड वार टू में भी हुआ था कि उसमें भी कुछ अवधि रखी गई थी। टूर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए हमारे इंडियन आर्मी ने एक प्रपोजल निकाला है जिसमें 1000 जवानों की भर्ती होगी तथा पहले अफसरों की 100 अफसरों की भर्ती होगी। जवानों की क्या क्वालिफिकेशन है, अफसरों की क्या क्वालिफिकेशन है, यह हम आपको आगे बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं। तो दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी में हम आपको बता चुके हैं कि 100 अधिकारी और 1000 जवान इसमें भर्ती होंगे और उनको ट्रायल होगा, उनका फिर से इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती किए जाएंगे। इसमें 3 साल की सर्विस होगी, इसको वॉलंटियर मिलिट्री सर्विस भी बोल सकते हैं। इसमें 100 पोस्ट ऑफिसर्स की होंगी। इसमें आप अधिक जानकारी चाहिए तो www.indianmilitary.com पर आप IndianArmyMilitary.com पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। इसकी जो जवान की एक्सपेक्टेड सैलरी होगी 30 से 40 हज़ार रुपये होगी और जो अफसर्स की जो 80 से 90 हज़ार रुपये होगी और यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बोला जाएगा। इसमें आपका DA TA सब कुछ इसमें अलग से मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि 30 से 40 हज़ार रुपये ये नौकरी आपकी, पेमेंट आपका ज़्यादा होगा। इसके लिए अप्लाई फॉर्म आपको मिलेगा, आपको आपको मैं लिंक इस पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसकी एज लिमिट 21 से 34 साल अफसर के लिए रखी गई है तथा जवान के लिए इसकी एज लिमिट 21 साल तक है और टेक्नीशियन के लिए आपकी उम्र 23 साल तक है और इसमें मार्शल स्टेटस आपका अनमैरिड होने चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसमें यह एक क्राइटेरिया रखा गया है क्योंकि अफसर के लिए यहाँ पे 21 से 34 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है और इसमें एज लिमिट में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकता है क्योंकि आप कौन से वर्क से आते हैं। आप अगर एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन कोटा से या फिर दूसरे कोटा से आप रखते हैं तो उसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपके वर्क के अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसमें जो पेंशन होगी वह 5 से 6 लाख रुपए अफसर के लिए होगी और 2 से 3 लाख रुपए पेंशन आते टाइम पर